घर पे। न्यूज की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मुंबई से गोवा जा रहे जहाज में चल रही रेव पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे का नाम भी सामने आया है। खबर यह है कि एनसीबी की छापामारी के दौरान बॉलीवुड नेता शाहरुख खान का बेटा अयान भी हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसी एनसीबी के मुताबिक नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी उनसे भी पूछताछ कर रही है। इसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से दिल्ली की 3 महिला भी शामिल है। एनसीबी की छापामारी के दौरान जहाज के कोकीन के अलावा अन्य 3 तरह के ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान शाहरुख खान के बेटे अयान का कहना है कि उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया है, उन्होंने गेस्ट के दौर पर पार्टी में बुलाया गया था। जानते हैं पूरी बात यूनियन डेली न्यूज के साथ। असल अयान का मोबाइल खलाल कर रही है एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक अयान ने दावा किया है कि पार्टी में उनका नाम पर कोई लोगों को बुलाया गया था। पार्टी में क्या होने वाला है इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। एनसीबी के अधिकारियों ने शाहरुख खान के बेटे अयान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उनके चैट्स खोले जा रहे हैं, जिससे पार्टी में अयान की भूमिका साफ हो सके। अयान खान समेत 8 नाम सामने आए हैं। एनसीबी के छापामारी में 8 नाम सामने आए हैं, इसमें शाहरुख खान के बेटे अयान खान भी शामिल हैं। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा, नूपुर सरीका, सिमित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रम चौंकर, गोमित चोपड़ा, ये सब लोग शामिल हैं। 600 हाई प्रोफाइल लोग कर रहे थे पार्टी में जहाज पर सवार। बताया जा रहा है कि एनसीबी के ने जब जहाज पर छापामारी की तब उस पर करीब 600 हाई प्रोफाइल लोग सवार थे। सभी लोग पार्टी में शामिल होने के लिए जहाज पे सवार थे। पार्टी में शामिल होने के लिए टिकट की कीमत 80,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक की थी। दिल्ली की रहने वाली है तीनों महिला। एनसीबी की छापामारी में पार्टी से हिरासत में लिए गई 3 महिला दिल्ली की रहने वाली थी। खबरों के मुताबिक तीनों महिला को रविवार को मुंबई एनसीबी ऑफिस लगाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दूं तो पार्टी के आयोजक को भेजा सम्मान। रविवार को एनसीबी की ओर से पार्टी के आयोजक को सम्मान भेजा गया है। उन्होंने रविवार को ही 11 बजे तक मुंबई स्थित एनसीबी कार्यकल में तलब किया गया। माना जा रहा है कि आयोजक से एनसीबी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबर के मुताबिक 7 घंटे तक चल रही है छापामारी की 4 तरह से ड्रग बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। गुप्त सूचना के बाद ऐसे बयान, छापामारी का प्लान। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जोलन अधिकारी समीर वाखड़े ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वहां टीम के साथ कुंज पर सवार हो गए थे। बीच समुंदर जब कुंज पहुंचा तो पार्टी शुरू हो गई और इसके साथ एनसीबी भी सक्रिय हो गई। बताया जा रहा है कि पार्टी शुरू होते ही एनसीबी टीम ने ऑपरेशन शुरू कर दी थी। टीम ने आरोपियों को रंगे हाथ ही पकड़ लिया। एनसीबी ने पहली बार किसी कुंज पर छापामारी कर ऐसी कार्रवाई की है। कहा यह भी जा रहा है कि कुंज की ओपनिंग हॉल में हुई थी और कुछ सितारों ने भी इस पार्टी में परफॉर्म किया। आरोपियों को रविवार को मुंबई लाया गया। 72 घंटे में यह सब होना था। पार्टी में एनसीबी की ओर से जिस शिप में छापामारी की गई उसमें बॉलीवुड फैशन व बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को यह जहाज रवाना होना था। फैशन टीवी की ओर से यह फुल पार्टी आयोजित की गई थी। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद। इससे और जुड़ी खबरों के लिए यूनियन डेली न्यूज के साथ जुड़े रहे।